आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है कि क्रिस्टल मेड ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजेस इनटू लैटिस कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ लेयर AB, AB एंड AB। तो यहाँ से सीक्वेंस से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा क्रिस्टल लैटिस सिस्टम वो कैसा है, HCP पैकिंग लीव्स आउट वॉइड्स इन लैटिस, देन वी हैव टू टेल व्हाट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इज ऑफ दिस लैटिस इज ऑक्यूपाइड। यानी कि सिंपली हमें इस केस में बताना क्या है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बतानी है। तो इस तरीके का क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है, तो इसमें हमने ए मान ली एज लेंथ है और ये इस डायगनल की लेंथ बच्चे क्या गिवन है, दिस इज बी, तो बी डायगनल लेंथ होगी। तो इसमें हमारी स्फीयर है, तो तीन स्फीयर है और एक स्फीयर का जो रेडियस है वो क्या है, रेडियस इज आर। तो इतना हो गया हमारे पास। अब हम इसमें निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो हम देखते हैं ट्रायंगल ABC में, ठीक है। अब ABC में दिस इज ए एंड दिस इज ऑल्सो ए, क्योंकि ये दोनों एज लेंथ है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस में दिस इज BC स्क्वायर। अब AC हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट टू ए। अब ए एज लेंथ है, अब एज लेंथ को हम इस रेडियस आर से भी कैसे रिलेट कर सकते हैं कि ये देखो हमारे पास गिवन क्या है कि दस बी इक्वल्स टू 4R, है ना। एक आर तो हमारे पास ये होगा आधा आधा दोनों स्फीयर का, दिस इज आर एंड दिस इज आर, और इस पूरे स्फीयर का ये जो डायगनल किसके इक्वल होता है, दिस इज 2R, तो ये हो जाएगा 2R प्लस आर 3R, 3R प्लस आर 4R। तो B की वैल्यू किसके इक्वल है, 4R के इक्वल। तो इन दोनों वैल्यू को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं कि A इक्वल्स टू 2√2R। अब चार स्फीयर है इसमें, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगी HCP में, सो एक स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है, 4/3 πr³। तो 4 की कितनी हो जाएगी, 4×4/3 πr³। अब हम निकाल लेंगे इस केस में पैकिंग एफिशिएंसी। सो पैकिंग एफिशिएंसी P इज गिवन एज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर, तो वॉल्यूम 4 लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम जो होगी यूनिट सेल की, सो डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और इनटू में 100। अब वॉल्यूम 4 स्फीयर की कितनी है, 4×4/3 πr³। अब क्यूब है हमारे पास ये HCP का, तो इसमें टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, एज लेंथ का क्यूब, विच विल बी A³, और A की वैल्यू किसके इक्वल है, 2√2R के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, 2√2R³ और इनटू में 100। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना आते बच्चे, 74% और वैकेंसी 0.74। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।